सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये विक्टर 91 का हैबिट साइकिल है मेरे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिंगल स्पीड साइकिल है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसमें गियर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना नॉन गियर साइकिल है, जैसे कि आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ कि नॉन गियर साइकिल है, सिंगल स्पीड साइकिल है। कि आप देख सकते हैं इसमें पावर ब्रेक लगा है। अगर आपके साइकिल में पावर ब्रेक या फिर डिस्क ब्रेक कोई भी ब्रेक रहने दो, तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से नॉर्मल साइकिल में गियर लगाया जाता है स्टूडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये 7 स्पीड का मेरा गियर किट है, जो कि मैं ये साइकिल में लगाने वाला हूँ। और अभी मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में बताता हूँ, क्या क्या कैसे इंस्टॉल होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं इस मैनुअल टेस्ट का गियर है मेरे पास, जो कि मैं लगाने वाला हूँ अपने साइकिल में। 7 स्पीड का, 8 स्पीड का ये गियर है, ये मैं लगाऊंगा। और ये कैसे लगेगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये इस तरह से आपको गियर एक हैंगर लेना पड़ेगा। देख सकते हैं ये पूरा हैंगर है, ये आपको शिमानो टीजेट के साथ में मिल जाएगा। अगर आप नया गियर इंस्टॉल करेंगे तो आपको शिमानो टीजेट का हैंगर वाला इस तरह से लेना पड़ेगा गियर। और यहाँ से अपना टीजेट को निकाल के कोई भी गियर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्ट्रा से कोई भी अच्छा गियर आपको लगाना होगा तो आप लगा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से किया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हैंगर में लगाऊंगा और इस तरह से ये इसमें टाइट हो जाएगा। यहाँ से आपके एक्सल में ये लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों सेटअप रहेगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये एक्सल, एक्सल को आपको गियर वाला एक्सल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा एक्सल लीजिएगा, 6.5 या फिर 7 इंच का, ताकि आपका गियर वाला कन्वर्ट हो जाए। तो अभी आपको मैं बताऊंगा। और ये मेरे पास 7 स्पीड का फ्री व्हील है, देख सकते हैं। ये मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ 7 स्पीड के लिए। ये 7 स्पीड का फ्री व्हील आप कोई भी अच्छा वाला ले लीजिएगा, चालू मत लीजिएगा, कोई भी अच्छा फ्री व्हील 7 स्पीड का ले लीजिएगा। और ये मेरे पास गियर चेन है 7 स्पीड का, देख सकते हैं। ये माया का गियर वाला चेन है। आप कभी भी सिंगल स्पीड जब आपका रहेगा साइकिल, अगर आपको गियर में कन्वर्ट करना है तो आपको कभी भी गियर वाला चेन ले लेने का, पतला चेन। देख सकते हैं ये पतला चेन आता है और सिंगल स्पीड का मोटा चेन रहता है। तो ये आप देख सकते हैं ये शिमानो का शिफ्टर है मेरे पास, शिमानो E5500। देख सकते हैं ये नया शिफ्टर है पूरा, देख सकते हैं एकदम अच्छा शिफ्टर है ये। इसका आवाज देख सकते हैं। इस तरह से अपना कोई भी शिफ्टर ले लीजिएगा, शिमानो E5 या तो फिर राउंड वाला कोई भी चलेगा आपका, बस 7 स्पीड का शिफ्टर रहना चाहिए। और ये मेरे पास गियर केबल है, देख सकते हैं ये विप्रो का गियर शिफ्ट केबल हाउसिंग के साथ, केसिंग के साथ। तो इसमें आपका आउटर भी आ जाएगा और इनर भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से ले लीजिएगा गियर केबल अच्छा वाला विप्रो का, ताकि आपका शिफ्टिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं आपको मैंने सारा पार्ट्स बता दिया है किस तरह से क्या है, और अभी किस तरह से इसको इंस्टॉल करने का है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि गियर एक्सल को मैं अपना इंस्टॉल कर दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मेरा सादा एक्सल है, तो उसको मैं गियर एक्सल बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले अपना चेन को काट लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेन है मेरा सिंगल स्पीड, इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। एक बार आपका चेन निकालने के बाद अपना साइकिल को पलट लीजिएगा। इस तरह से उल्टा कर लेता हूँ मैं साइकिल को, और उसके बाद आपको ये जो क्लिप है आपका पावर ब्रेक का, अगर आपके पास पावर ब्रेक रहेगा तो सिंपल इस तरह से क्लिप को आपको लूज कर देना, ताकि आपका ये व्हील यहाँ से फ्री हो जाए और आराम से व्हील निकल जाए। और अभी आपको ये जो आपका नट है, नट को खोल लेना होगा व्हील को निकालने के लिए। सिंपल 15 mm का जो नट है, आपको स्पैनर या फिर पानी की मदद से उसको खोलना होगा पूरा, फिर आपको व्हील को निकाल लेना होगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो फ्री व्हील है उसको आपको निकालना होगा सिंगल स्पीड का। उसको निकालने के लिए एक स्पैनर आता है इस तरह से फ्री व्हील का। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अन्यथा आप कोई शॉप में जाके इसको आप निकलवा सकते हैं। और अन्यथा यहाँ पे आपका एज रहता है, ऐसा खांचा बनाते हो, तो आप स्क्रू ड्राइवर इस तरह से मार मार के भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल मैं फटाफट इससे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो ये होल है, होल को बस ये सिंपल जो आपका ये खीला है उसके अंदर रख के टाइट कर देना होगा। फिर इसे आपको इस तरह से हैमर करना होगा। देख सकते हैं ये खुल गया है। सबसे पहले जाम नट को निकाल लीजिएगा अगर आपको रिप्लेस करना है तो, और कभी भी अपोजिट साइड को खोलने का, जिस साइड आपका फ्री व्हील उसके अपोजिट साइड को लूज करके आपको निकालना होगा। तो इस तरह से मैं पूरा कोन को निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं ये छोटा एक्सेल है, ये मैंने पूरा निकाल लिया अपना। तो भी आप देख सकते हैं ग्रीस मेरा एकदम परफेक्ट है, नया है ये। अगर आपका ग्रीस गोली ग्रीस नहीं है अच्छे से, तो यही टाइम पे अपना गोली ग्रीस भी कर लीजिएगा। तो भी आप देख सकते हैं ये मेरा बड़ा एक्सेल है, छोटा एक्सेल है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जितना भी फिटिंग है ना इसमें डाल दूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो भी मैं फटाफट करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं अपने बड़े एक्सेल में एक कोन डाल दिया है, और ये कैप अपना कभी भी भूलिएगा मत।
जो आपका ये हब का कैप रहता है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड से पूरा कोन को टाइट करके रख दिया है। अभी मैं यहाँ से डालूंगा एक एक कोन और एक अपना, ये देख सकते हैं ये इतना हो गया बड़ा यहाँ पे रखा हूँ। अब इसको और एडजस्ट करना होगा, देख सकते हैं ये साइड से भी मैं अपना कोन एक बार लगा देता हूँ, और उसको आपको मैं पूरा पूरा बताऊंगा आपको किस तरह से गियर एक्सल आपको कन्वर्ट करना है अपने हब के अंदर, किस तरह से रहता है पूरा गियर वाला एक्सल। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक्सल को एक साइड बढ़ा दिया है, जिस साइड आपका फ्री व्हील लगेगा 7 स्पीड का, और जिस साइड आपका कुछ नहीं उसको मैंने छोटा रखा है। और अभी जाम नट बाकी है इसका, ये साइड गियर वाला है, फ्री व्हील लगेगा इसमें मेरा। तो इस तरह से एक कैप लेना है, देख सकते हैं इस तरह से लोखंड का कैप आता है गियर के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो इतना बड़ा आप नट लगा सकते हैं, दो या फिर एक। ये लगाने के बाद आपको इस तरह से जाम नट लगाना पड़ेगा, देख सकते हैं इस तरह से जाम नट में लगा रहा हूँ इसको, ताकि आपका लूज ना होएगा। ये पूरा गियर सेटिंग होता है, गियर का एक्सल रहता है, ये पूरा इस तरह से आपको सेटिंग करना पड़ेगा हब के अंदर। ये देख सकते हैं गियर वाला एक्सल इस साइड से बन गया। इस तरह का स्पैनर लेना होगा, और ये 17 mm का, और आपको इसको अपोजिट साइड इस तरह से टाइट करना होगा, देख सकते हैं इस तरह से इसको इसको मिला के ऐसे जाम कर देना, ताकि ये हिले ना, देख सकते हैं ये हिल नहीं रहे, हिल रहेगा मैंने वो साइड से भी बाकी। अभी ये साइड से आप खोलेंगे ना तो अभी खुलेगा नहीं, जब तक इसको वापस से पकड़ के इस तरह से वापस से खोलेंगे तब तक से ये खुलेगा नहीं। इस तरह से आपको इसको जाम करना होगा, ये हो गया, वो साइड से भी जाम कर देते हैं। अगर आपका डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है, अपने साइकिल में आप गियर लगा रहे, तो एक वार्सल और रख दीजिएगा इस तरह से। और अगर आपको ना पावर ब्रेक है तो भी आप रख सकते हैं, अगर ये साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी चलेगा, मैं एक वार्सल भी रख देता हूँ ताकि गैपिंग परफेक्ट रहे मेरा। और कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका डिस्क ब्रेक साइड में रहेगा ना, कम से कम 1 इंच या फिर 1.25 इंच का आपको ये गैप करके रखना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब नट वार्सल सब लगा के रखना पड़ेगा, ये इतना बाहर रहना चाहिए, मतलब 1 इंच तक आपका बाहर रहना चाहिए, ताकि जब अपना टायर डालेंगे ना तो आपका प्लेट है डिस्क प्लेट में टच नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको मैं ये लगा दे रहा हूँ ताकि आपका परफेक्ट रहे ये। अभी आप देख सकते हैं कि परफेक्ट तरीके से मेरा गियर एक्सल बन गया है। तो अब मैं फ्री व्हील इंस्टॉल कर देता हूँ अपने 7 स्पीड का, देख सकते हैं ये 7 स्पीड का फ्री व्हील मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने हब में इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से मैंने कैप क्यों लगाया था, क्योंकि जब मैं फ्री व्हील इंस्टॉल करूंगा ना तो मेरा फ्री व्हील जो आपका फ्री व्हील है ये लास्ट का 7 स्पीड का, तो आपका फ्रेम में टच नहीं करेगा, इसके लिए इसको आपको यहाँ पे बाहर निकालना पड़ता है जाम नट से, ताकि क्या यहाँ पे आपका स्टॉप हो सके। इस तरह से गियर का पूरा सेटिंग रहता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं परफेक्ट इस तरह से आपका आधा फ्रेंड्स अपना आधा इंच से भी कम रहेगा ना बाहर 7 स्पीड के लिए, तो इतना बस हो जाएगा फ्रेंड्स, आराम से फर्स्ट गियर तक आपका चढ़ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा टायर कंप्लीट हो गया, तो अब टायर में डालने का वक्त आ गया, पर इससे पहले मैं अपना हैंगर को इंस्टॉल कर देता हूँ। देख सकते हैं इस तरह से ये जो आप देख सकते हैं पीछे का ये जो नट है, स्क्रू नट है पूरा, इस तरह से इसके खांचे में बैठ जाए, देख सकते हैं खांचा दिया है फ्रेंड्स, ये खांचे में जब आप इस तरह से अपना इसके खांचे में फ्रेम में खांचे में डाल देंगे तो ये आराम से इस तरह से लग जाता है, देख सकते हैं। और ये आपका जो ये एंगल है ना, ये जो अपना गैप और इसका फ्रेम का गैप, इसको एकदम बिल्कुल सेंटर में रखिएगा, और यहाँ पे 9 नंबर पाने की मदद से या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आप टाइट कर दीजिएगा। सिंपल मैं टाइट कर देता हूँ, पहले आप इसको लगा लीजिएगा ताकि क्या आपको आसानी रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रखिएगा इसका गैपिंग दोनों का, देख सकते हैं किस तरह से ये परफेक्ट तरीके से गैप में बैठ गया है। अब इस तरह से खांचे में भी पूरा बैठना चाहिए आपका, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा हैंगर इंस्टॉल हो चुका है, अभी मेरा फ्री व्हील भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सीधा ना टायर को साइकिल के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल कैसे करेंगे देख सकते हैं, अभी मैंने इसका गैपिंग बढ़ा दिया हर चीज का, तो ये क्या अटक रहा है, अपने आप नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सेल को ना मैंने बड़ा कर दिया, तो आपको फ्रेम को थोड़ा सा इस तरह से आपको थोड़ा ये करना होगा, इस तरफ खींचना पड़ेगा, मतलब बेंड करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सल आराम से चले जाए, देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपना फैलाएंगे ना तो अपने आप ही ये फ्रेम के अंदर चला जाएगा, आपका इससे फ्रेम टूटेगा नहीं, कुछ होएगा नहीं फ्रेंड्स, टेंशन लीजिए मत। थोड़ा सा आपको ना इसको पका के अंदर डालना पड़ेगा, देख सकते हैं सिंपल ये चला गया है आराम से, देख सकते हैं इसका ये जो गैप है हैंगर का, उसके लास्ट
टच करके वहां पे अपना एक्सल को डाल दीजिएगा और सेंटर में रख के इसको टाइट कर दीजिएगा अपने व्हील को। तो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से मेरा टायर वन साइड जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वन फिंगर सिर्फ जा रहा है, यहाँ पे पूरा फ्रेंड्स मेरा हाथ ही चला जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गैपिंग आ गया और ये मेरा टायर वन साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फ्री व्हील मैंने इंस्टॉल किया है ना, वो साइड चला गया। तो वापस आपको इसको सेंटर में लाना पड़ेगा और लाने के लिए ना आपको ये जो जितना भी आप ये स्पोक देख सकते हैं इस साइड से, इसको आपको लूज करना होगा। लूज जैसे करेंगे ना तो ये आपका व्हील वन इस साइड आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो वहां से लूज करके यहाँ थोड़ा टाइट करना होगा पूरे स्पोक को और आपको सेंटर मिला के आपको ये करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। जब भी आप अपना ना गियर साइकिल करेंगे ना, मतलब सादे साइकिल से गियर साइकिल, तो आपको ना रिम को भी गियर रिम बनाना पड़ता है, जो कि मैंने वीडियो बना के रखा है पहले से फ्रेंड्स, आप जाके वहां से डिटेल में देख सकते हैं, जिसको मैं सेंटर कर दूंगा फटाफट अभी, फिर आगे का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा टायर एकदम सेंटर में आ गया और मेरा जो आउट था वो भी मैंने सही कर दिया। आप जब अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पावर अपर का क्लिप जो है मैंने निकाला तो लगा दिया सिंपल, और अभी आप देख सकते हैं मेरे परफेक्ट तरीके से ब्रेक भी लग रहा है और टायर घूम रहे भी रहे और सेंटर में भी है। तो कभी भी अपना टायर को सेंटर में करके ब्रेक सेटिंग कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं सिंपल मैं अपने डेरेलर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने हैंगर के अंदर। इस तरह से बस सिंपल आपको थ्रेड मिलाना होगा और इसको टाइट कर देना होगा। फाइव नंबर का रन की इसमें लगेगा और टाइट हो जाएगा, देख सकते हैं पकड़ लिया आराम से थ्रेड, उसको फुल टाइट दे दीजिएगा। यहाँ से आपको देख सकते हैं ये डिरेलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है मेरा। तो भी आप देख सकते हैं कि डिरेलर भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं अपना चेन को लगा देता हूँ, देख सकते हैं ये गियर चेन है, सिंपल पतला वाला चेन ले लीजिएगा, माना का गियर चेन है ये मेरे पास, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ फटाफट। अच्छे से सीधा कर लीजिएगा और इसका ये हिस्सा ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कितना चेन आपको लगाना है तो 116 लिंक या फिर 114 लिंक ले लीजिएगा अपना चेन से। और अभी देख सकते हैं ये गियर का पुली है जो नीचे वाला बड़ा वाला, इस तरह से मैं डालूंगा ऊपर की मदद से, और ये जो आपका ये इसमें गैप है ना, ये इस तरह से निकला हुआ है, तो इसके बाहर से नहीं डालना आपको, इसके अंदर से डालना होगा, इसके आपको अंदर से डालना होगा। इस तरह से देख सकते हैं मैंने किस तरह से डाला है, इसके अंदर से डाला है। अब ये पुली जो दूसरा गियर पुली है इसके नीचे से डाल के थोड़ा सा आपको इस तरह से दबाना होगा डेरेलर को, और दोनों गियर के पुली से इस तरह से आपको निकाल लेना होगा आपके चेन को, देख सकते हैं सिंपल निकल गया है, आ गया चेन। अब लास्ट गियर में रख के आपको चेन को इस तरफ लाना होगा और ये फ्रेम के अंदर से इस तरह से रख देना होगा, देख सकते हैं मैंने चेन आराम से इस सब में से थ्रू कर लिया है। तो भी आप देख सकते हैं कि मैंने चेन आगे से भी चढ़ा लिया है और मेरा गियर देख सकते हैं इस तरह से मेरा हो रहा है, मतलब पोजीशन इस तरह से, जब मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा तो इस तरह से मेरा पोजीशन रहेगा गियर का, अभी भी इस तरह से ही रहना चाहिए आपका। अगर यहाँ से इतना रहेगा तो आपका चेन ज्यादा ही लूज है, और इस तरह आपका टाइट हो जाएगा तो आपका चेन ज्यादा ही टाइट रहेगा। तो इस पोजिशन पे आपको रख के चेन को टाइट कर देना होगा आपके, इस तरह से जोड़ देता हूं मैं। मेरा आगे का चेन रिंग है जो आपका क्रैंक है मेरा, ये 43 का है, तो ये मेरा बहुत छोटा क्रैंक है, तो कभी भी मेरा आगे से चेन उतरेगा नहीं। कभी भी आपने जब 7 स्पीड का गियर लगाएंगे ना तो आगे कभी भी 43 लगाइएगा या तो फिर 42, इससे ज्यादा आगे मत जाइएगा, नहीं तो आपका चेन यहाँ से गिर जाएगा जब अपना फर्स्ट गियर पे लेंगे। तो चेन को इस तरह से मैं जोड़ देता हूँ, देख सकते हैं मैंने दबा दिया अच्छे से, इसको अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं, नहीं तो टूटना नहीं चाहिए वापस फ्रेंड्स। रहता है ये जितना यहाँ बाहर रहेगा उतना यहाँ बाहर रहेगा, इक्वल लेंथ पे रख के आपको उसको टाइट करना होगा, और जो लेंगे अपना टाइट करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है थोड़ा, तो आपको इसका इस तरह मंकी पकड़ से इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा ताकि ये आपका रिपीट फ्री हो जाए। कभी भी चेन का हर रिपीट फ्री रहना चाहिए, देख सकते हैं इस तरह से फ्री हो गया मेरा। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं डेरेलर का सेटिंग कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ से मैं बॉडी स्क्रू को टाइट कर देता हूँ ताकि मेरा चेन जो यहाँ पे रब हो रहा है ना तो वो नहीं होएगा, ये मैं कर देता हूँ और मेरा एच लिमिट सेट कर देता हूँ फटाफट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया मेरा अच्छे से, अब सिर्फ मेरे को गियर आउटर और अपना शिफ्टर को लगाने का और मेरा गियर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स फटाफट, वो भी मैं करके बता देता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे सादा लीवर को हटाना पड़ेगा 7 स्पीड का शिफ्टर को लगाने के लिए, तो मैं इसको फटाफट हटा देता हूँ यहाँ से। ब्रेक वायर इसको भी निकाल देते हैं, निकालने के लिए बस सिंपल यहाँ से क्लिप को हटा दीजिएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा आपका सिंपल।
अगर आपका बाई चांस ग्रिप ना निकले ना तो आपको इस तरह से ठोक देना होगा, देख सकते हैं इस तरह से। देख सकते हैं मेरा निकल गया आराम से ये। अभी आप देख सकते हैं 7 स्पीड का शिफ्टर मैं लगाने जा रहा हूँ जो कि E5 500 है, बहुत ही अच्छा शिफ्टर है फ्रेंड्स ये। और फिर ग्रिप भी इंस्टॉल कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं गियर आउटर को लगा देता हूँ जो कि विब्रो का है, बहुत ही अच्छा आउटर और गियर वायर रहता है पूरा सिंपल। मैं मेरा जो यहाँ पे है ये इनर गियर वायर का, इसको मैं ये वाला लगाऊंगा और इसको रख दूंगा, फिर मेरे को आउटर चाहिए फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरा आउटर लगेगा मेरे साइकिल में, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी स्लॉट नहीं है जो कट कट करके लगेगा। सिंपल मैं पूरा वन वे लगाऊंगा, पूरा डायरेक्ट करके लगाऊंगा और जहाँ जितने ज़्यादा ज़्यादा पड़े उसको मैं काट दूंगा। अभी आपको इसके अंदर आउटर के अंदर डाल देना होगा, डालने से पहले आपको ऑयलिंग कर लेना होगा इसके अंदर। वायर गियर वायर के अंदर आप ऑयलिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका परफेक्ट रहे, जंग ना लगे जल्दी। आपको इस तरह से आउटर डाल के, और अभी आप देख सकते हैं ये आउटर मेरे यहाँ वहाँ भाग रहा है, मैं क्या करूँगा जिप टाई की मदद से इसको यहाँ पे टाई कर देता हूँ ताकि मेरा थोड़ा अच्छे से दिखे। जिप टाई यहाँ बांध देता हूँ मैं अच्छे से, और जिस तरह से मैं बांध रहा हूँ उसी तरह से बांधिएगा, ऊपर नीचे मत कीजिए ताकि शिफ्टिंग परफेक्ट रहे आपका। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने आउटर को लगाया है, देख सकते हैं इस तरह से एक राउंड शेप यहाँ पे आया है ऊपर में, और फिर यहाँ नीचे से पूरा इस तरह से लगाया है अच्छे से यहाँ नीचे इस तरह से पूरा गियर के केबल में आपका यहाँ पे स्लॉट में टाइट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से मेरा हो गया। अब मैं अपने केबल को टाइट कर देता हूँ, फुल टाइट देता हूँ। और अभी जो केबल है ना आपका गियर केबल, इसको आपको पूरा पकड़ से पकड़ के खींच के रखना है। ये जो आउटर है आउटर के अंदर बिल्कुल भी ढीलापन नहीं चाहिए, पूरा वायर आपको खींच के रखना होगा और फिर टाइट करना होगा। और अगर आपको गियर सेटिंग परफेक्ट तरीके से जानना है तो मैं वीडियो बना के रखा हूँ फ्रेंड्स अलग से, वहाँ आपको मैं परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई कार्ड में भी मिल जाएगा लिंक, आप वो जाके देख सकते हैं किस तरह से गियर सेटिंग हुआ होता है। तो अभी मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा परफेक्ट तरीके से गियर इंस्टॉल हो चुका है और चल भी रहा है, देख सकते हैं 7 से 6 पे आ गया, ये 5 पे आ गया, ये 4 पे आ गया, 3 पे आ गया, 2 पे आ गया और ये फर्स्ट पे आ गया। वापस नीचे लेते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 एकदम परफेक्ट तरीके से फ्रेंड एकदम चढ़ रहा है उतर रहा है, कोई नॉइज नहीं, कोई जंप नहीं, एकदम मक्खन के चल रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से गियर चल रहा है।